डैडी रीमू को बचाओ, अपनी बहन को बचाओ, दुश्मन आ गए हैं, उसे लेकर हिंदुस्तान चले जाओ। हाँ डैडी, हम सब हिंदुस्तान जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे डैडी। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में। डैडी कोई जिंदा नहीं बचा। सुना है कि तुम्हारी गवर्नमेंट बड़ी सख्त हो गई है, चरस की स्मगलिंग के खिलाफ एक स्पेशल स्क्वाड बनाया है। इसकी तुम फिक्र ना करो शेख, मैंने जो प्लान बनाया है वो सारी दुनिया देखती रह जाएगी। उसमें सिर्फ एक लड़की की मदद की जरूरत है, और लड़की भी मैंने देख ली है, अब जरा उसको फांसना है। ये लड़की हमारे दोनों काम आएगी। श्योर श्योर। ये है कौन? थिएटर की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस? लेकिन ये हमारा काम करेगी? करना ही पड़ेगा, उसकी एक दुखती रग मेरे हाथ में है। कौन? मैडम सॉरी प्लीज, इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। मैं मिलने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको ये तस्वीर दिखाने आया। कई बरस पहले सनराइज होटल में खून हुआ था। पुलिस का ख्याल है कि वो खून लड़की ने किया था। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये मेरा पता है। कल 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। बाय। नहीं, मैंने वो खून नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन पुलिस तुम्हें कातिल समझती है, और तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं? मैं तो तुम्हारी सारी कहानी जानता हूँ। जब एक एक्सीडेंट में तुम्हारा बाप अपाहिज हो गया और सारे घर का बोझ तुम्हारे सर पर आन पड़ा, तो उस वक्त एक आदमी ने होटल सनराइज में नौकरी के बहाने से तुम्हें बुलवाया था ना? हाँ। वो आदमी बोगस था। आपको कैसे खबर? इसलिए कि उसे मैंने ही भिजवाया था। आपने भिजवाया था? क्यों? उन दिनों मेरा धंधा ही यही था कि गरीब लड़कियों को किसी ना किसी बहाने से होटल में बुलवाता, और उनके साथ मेरे आदमी जबरदस्ती करते, और मैं छुपे हुए कैमरे से उनकी सारी तस्वीरें लेता और यूरोप वगैरह भिजवाया था। उस दिन तुम्हारे साथ भी यही किया जाता, मगर मेरे किसी दुश्मन ने खिड़की से आकर उस आदमी का खून कर दिया। तुम तो वहां से भाग निकली, लेकिन तुम्हारी उंगलियों के निशानात वहीं रह गए। तब से पुलिस तुम्हारी तलाश में है। मेरे सिवा तुम्हें कोई फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता, कि मेरे पास वो सबूत मौजूद है जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता है। सबूत? कैसा सबूत? मैं तुम्हें दिखाता हूं। स्टार्ट द फिल्म जोसेफ।
यही मेरा वो आदमी है ना जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ओके जोसेफ, देखा, इससे बेहतर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं हो सकता और ये फिल्म मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैंने यूरोप में तुम्हारे डांस के लिए कुछ शो बुक किए हैं, तुम्हें अपना ट्रिप लेकर यूरोप जाना होगा और तुम्हारे सामान के साथ मैं अपनी चरस भी भेज दूंगा। जिस दिन तुम मुझे यूरोप में ये चरस बहिफाजत डिलीवर कर दोगी तो उस दिन मैं तुम्हें ये फिल्म दे दूंगा। ओके, लो इस कागज पर दस्तखत कर दो। आप हालात का फायदा उठाकर मुझे एक जुर्म करने के लिए कह रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कर सकती। फिर सोच लो, मेरी बात न मानकर जैसे ही तुम यहां से बाहर निकलोगी पुलिस का शिकंजा तुम्हारा इंतजार करता होगा। ऐसी सूरत में तुम तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओगी लेकिन तुम्हारा सारा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत बन जाएगी। शट अप, ये बकवास बंद करो। मुझे गाली देने से न तुम बच सकती हो न तुम्हारा खानदान। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत होगी। तुम्हारा बाप सड़कों पर भीख मांगता होगा और तुम्हारी बहन किसी कोठे की जीनत होगी। तुम्हें फांसी हो जाएगी और तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी। सब तुम्हारा बहन। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि वहाँ के लोगों ने तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दिया। उस जलते हुए घर में तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप दोनों मर चुके हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि हम वहाँ पहुँच गए, हमने तुम्हें बचा लिया, अपने साथ यूरोप ले आए। तुम्हें तो हमको इनाम देना चाहिए। तुम मेरे भैया को ढूंढने का लो, वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। जी हाँ, मुर्दे भी लोगों को इनाम दे सकते हैं कभी। देखो हमने तुम्हें यहाँ लाने में बहुत खर्चा उठाया, तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम्हें हमारा काम करना होगा। तुम्हारे हाथ जोड़ते हो, मुझे मेरे भैया से मिला दो, नहीं तो बॉम्बे में हमारे मैनेजर है कालीचरण अंकल, मुझे उनके पास भेज दो। हाँ हाँ, उनके पास भी भेज देंगे, खबर तो उन्हें पहुंच ही जाएगी। दरअसल तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लैला, जो दवाएं डॉक्टर साहब ने लिख के दी है ना, इन्हें पाबंदी से देती रहना। लो खा लो। नहीं लैला, इसके खाने से मेरा सर चकराने लगता है, मुझे गोली क्यों देती हूँ? डॉक्टर ने कहा है, खा लो। वेरी गुड, ये लो। साहब, ज़ेब्रा कॉलिंग। सारा काम ओके हो गया सर, हम माल्टा पहुंच गए। वेरी गुड, तो गया सारा खानदान खत्म हो गया। ऑफ कोर्स, बाप बेटा तो दोनों आग में जल गए और बेटी जिंदा हमारे हाथ लग गई। अम्मा उसे क्यों छोड़ दिया? अरे बड़ी अच्छी चीज है बॉस, इसीलिए अपने साथ ले आया हूँ। आजकल जरा उदास रहती है, मैंने उसे हल्के हल्के नशे की चाट पे लगा दिया है। कुछ ही दिनों में राम हो जाएगी तो हमारे क्लब के कस्टमर्स का दिल बहलाने में काम आएगी। ओह नॉट बैड, लेकिन उससे जरा होशियार रहना। हेलो बॉस, बिजी है? कौन है?
पूछो क्या काम है। ओके बाय। गुड न्यूज, सारे दुश्मन खत्म हो गए। क्या कहा? शेर वृंदावन का लड़का सूरज कुमार आया है। ओ नो। क्या युगांडा से आया है? यस सर, आप युगांडा से आए हैं? हाँ मैं युगांडा से आया। शेर वृंदावन का लड़का हूँ, कालीचरण मेरे अंकल है, उनसे कहीं मैं फौरन मिलना चाहता हूँ। मेरी, उन्हें इज्जत के साथ अंदर भेज दो। और वो बेवकूफ समझता था कि सब मारेंगे, मगर आपकी तकदीर का सितारा बहुत बुलंद है बास, शिकार खुद चल के शिकारी के घर आ गया। ठीक है, मैं जाकर उससे हाल में मिलता हूँ, तुम सारा इंतजाम करो। ओके बास। हाँ, मुन्नी और पिताजी का आग में जलने का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम दिल छोटा ना करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। मदद? कैसी मदद? देखो बेटा, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी का नमक खाया है। मैं जानता हूं कि तुम लुट चुके हो, तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, इस घर को अपना ही घर समझो। अपना घर समझो? ये घर, ये बिजनेस, ये कारोबार सब हमारा ही तो है। है नहीं बेटे, था। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछली दफा जब तुम्हारे पिताजी हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें ये सारा कारोबार बेच देना पड़ा, और उनकी मदद के लिए मैंने ये सब कुछ खरीद लिया। वो बेचारे भी क्या करते, हालात ही कुछ ऐसे थे, वो मजबूर हो गए। मजबूर हो गए? उन्हें किस बात की मजबूरी थी? शायद तुम नहीं जानते, और फिर मैं बताना भी नहीं चाहता था कि उन्हें रेस और जुए की बुरी लत पड़ गई थी। मैंने उन्हें लाख समझाया, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था।